हेलो एवरीवन, आई एम एंकर यश। आपका मैं स्वागत करता हूं आपके इकलौते मन पसंद एंटरटेनमेंट चैनल यानी कि टाली चैट के ऊपर। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये बट ऑफिस है यार कि सीजन बिग बॉस का चल रहा है, तो बातचीत बिग बॉस के अलावा किसकी कर सकते हैं। लेकिन क्या खास बात आज हो रही है अंकिता लोखंडे और उनके पति विकी जैन के बीच में, बताता हूं मैं आपको। लेकिन उससे पहले टैप ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है कि यार अंकिता लोखंडे और विकी जैन ये जो कपल है, ये बहुत सारी सुर्खियां बटोर रहा है, बट नॉट फॉर पॉजिटिव यार, इट इज फॉर नेगेटिव रोल। और ऐसा हो रहा है कि दोनों के बीच में बहुत सारे लड़ाइयां, बहुत सारे झगड़े भी हो रहे हैं और वही टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है फिलहाल। एक बात मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि यार अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय के साथ फिलहाल विकी जैन जो है बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे हैं, जिसको देखते हुए अंकिता लोखंडे जो है वो नहीं अच्छा महसूस कर रही है। एक बार ऐसा हो कि तीनों जब साथ में बैठे थे तब अंकिता लोखंडे वहां से गुजरती है और वो मुंह बना लेती है, और तभी इस बात को लेकर विकी जैन उनके साथ बहुत गंदी तरीके से बिहेव करते हैं। शी वॉज लाइक, मतलब वो तो सिर्फ इनसिक्योर हो रही थी ना, लेकिन विकी जैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और बोले कि यार तूने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, एटलीस्ट मुझे पीस ऑफ माइंड तो दे दे। इस हद तक विकी जैन उन्हें बोल उठे कि इतना घटिया बर्ताव उन्होंने उनके साथ किया। ही वॉज ऑल्सो लाइक कि यार मुझे शर्म आती है, आई एम सीइंग योर वर्स्ट साइड, यू नो, जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। इतना भला बुरा वो बोलकर वहां से निकल गए। एंड शी वॉज कॉलिंग हिम कि मेरी बात सुन, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। और फाइनली ऐसा हुआ वो बैठकर वहां पर रोने लगी। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि ये पहला किस्सा नहीं है बिग बॉस के घर में जहां पर विकी जैन ने अंकिता लोखंडे के ऊपर चिल्लाया हो। एक और बार ऐसा किस्सा हो चुका था कि जब अंकिता लोखंडे अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में विकी जैन के साथ बातें शेयर किया करती थी, तभी विकी जैन वॉज लाइक कि हम यहाँ इंडिविजुअली खेल रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे मैं तुम्हारा गुलाम तो हूं नहीं। बिकॉज वो ऐसा बता रहे थे अंकिता लोखंडे कि यार मैं बहुत अकेली फील कर रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। और तभी विकी जैन बहुत गुस्सा हो गए। ही वॉज लाइक कि यार हमने डिसाइड किया था कि हम इंडिविजुअल खेलेंगे, मैं आपका गुलाम नहीं हूं कि आप जैसे बोलोगे वैसा मैं करूंगा। इस बात को लेकर भी वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रोल हुए थे। इतना ही नहीं, जब एक और घटना ऐसी हुई थी कि जब ऐसा हुआ था कि विकी जैन और ईशा मालविया के बीच की जो थोड़ी दोस्ती थी वो ज्यादा गहरी हो रही थी, और इस बात को लेकर अंकिता लोखंडे ने जब विकी जैन के बारे में बात की तो विकी जैन ने उन्हें बहुत ही क्लियर कट कह दिया कि जब मैं सपोर्टिव डिसीजन लेने के लिए जाता हूं तब तू मेरा साथ क्यों नहीं देती है, वो उन्होंने अंकिता लोखंडे को कह दिया। इवन ऐसा कह दिया कि आप हर बार इलॉजिकल बातें करते हो, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अगर आपको ऐसे ही रहना है तो मुझे आपसे बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इतना बुरा स्टेटमेंट विकी जैन ने कह दिया था अंकिता लोखंडे को, और इसी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा ट्रोल हुए थे। अंकिता लोखंडे बहुत रो रही थी इस बात को लेकर। तो ये सारे दोनों नेगेटिव रोल कर रहे हैं, दोनों नेगेटिव रोल क्या दर्शकों के बीच में रहने के लिए कर रहे हैं, शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट कि यार ये दोनों लोग नेगेटिव रोल करते हुए बहुत ही ज्यादा फेम हासिल कर रहे हैं, अभी आगे क्या होता है ये जानने में हमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहेगी। लेकिन मीनवाइल आपसे मैं फिलहाल अलविदा लेता हूं और आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर छोड़ जाता हूं।